अर्थशास्त्र की क्लास लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए। सी टेट एग्जाम के लिए है खासकर यह क्लास। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संदेश। पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक है अवलोकन एवं रिपोर्ट करना, अभिव्यक्ति, न्याय और समानता के प्रति सरोकार या उपयुक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक है अवलोकन एवं रिपोर्ट करना, अभिव्यक्ति, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। आंसर इसका उपयुक्त सभी, डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन सतत मूल्यांकन है, निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन या उपयुक्त सभी। बताएं इसका आंसर। सतत मूल्यांकन है, निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक मूल्यांकन, तीनों ही होता है। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, और पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा किस प्रस्तावित नहीं करती। बच्चे के अनुभव और संदर्भ को जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, विषयानुसार उपागम। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा किस प्रस्तावित नहीं करती, किसे प्रस्तावित नहीं करती है। बच्चे के अनुभव और संदर्भ को जोड़ना ये करती है, हस्तपरक क्रियाकलाप ये भी करती है, विषय अनुसार उपागम ये भी करती है, लेकिन तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना ये नहीं करती है। तो आंसर इसका सी बनेगा, नहीं पूछा था, सी इसका सही आंसर। प्रश्न पत्र बनाने के चरण का सही क्रम है, प्रश्न पत्र बनाने के चरण का सही क्रम है रूपरेखा, ब्लूप्रिंट, प्रश्न लिखना, प्रश्न संपादन या रूपरेखा, प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट, प्रश्न संपादन या प्रश्न लिखना या रूपरेखा, ब्लूप्रिंट, प्रश्न संपादन या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न पत्र बनाने के चरण का सही क्रम है, प्रश्न पत्र बनाने के चरण का सही क्रम है प्रश्न लिखना, रूपरेखा, ब्लूप्रिंट, प्रश्न संपादन ये नहीं है। रूपरेखा, प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट, प्रश्न संपादन ये भी नहीं है। इसका आंसर है सबसे पहले रूपरेखा बनाएं, उसके बाद ब्लूप्रिंट करें, उसके बाद प्रश्न लिखना, फिर प्रश्न का संपादन करना, ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ये कारण बताओ प्रश्न होते हैं परंतु इसका उत्तर एक सीमा के अंदर दिया जाता है। ये कारण बताओ प्रश्न होते हैं परंतु इसका उत्तर एक सीमा के अंदर दिया जाता है। अपसारी प्रश्न, अभिसारी प्रश्न, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। ये कारण बताओ प्रश्न होते हैं परंतु इसका उत्तर एक सीमा के अंदर दिया जाता है। अभिसारी प्रश्न इसका सही आंसर है क्योंकि इसका अभिसारी प्रश्न का उत्तर एक होता है, जैसे भारत की राजधानी तो दिल्ली,
ये निश्चित है, इस प्रकार बना हुआ एक ही उत्तर होता है, उसको अभिसारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वह प्रश्न जो दो वस्तुओं के मध्य तुलना प्रकट करते हैं उन्हें कहा जाता है। वह प्रश्न जो दो वस्तुओं के मध्य तुलना प्रकट करते हैं उन्हें कहा जाता है अभिसारी प्रश्न, अपसारी प्रश्न, तथ्यात्मक प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न। वह प्रश्न जो दो वस्तुओं के मध्य तुलना प्रकट करते हैं उन्हें कहा जाता है अभिसारी प्रश्न, अपसारी प्रश्न, तथ्यात्मक प्रश्न। नहीं, इसका आंसर है उन्हें कहा जाता है मूल्यांकन प्रश्न। रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? पश्चिम बंगाल का है दुर्गा पूजा, छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश का कथक। रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो उड़ीसा का प्रसिद्ध त्यौहार है रथ यात्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। बताएं इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? काली मिर्च, गेहूं, सौंफ। ये बीज के बीज होते हैं, लेकिन साबूदाना शाइकस नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है साबूदाना। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ज्ञान निर्माण में किसकी आवश्यकता पड़ती है? ज्ञान निर्माण में किसकी आवश्यकता पड़ती है? अनुभव, अवधारणा का वर्णना, अन्वेषण कौशल या उपयुक्त सभी। ज्ञान निर्माण में किसकी आवश्यकता पड़ती है? अनुभव, अवधारणा का वर्णना, अन्वेषण कौशल या उपयुक्त सभी। तो ज्ञान निर्माण में आवश्यकता पड़ती है, अनुभव की भी पड़ती है, अवधारणा का बनना भी और अन्वेक्षण का कौशल तीनों ही। तो इसका आंसर है टी, उपयुक्त सभी। टिन जमीन का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर, असम, छत्तीसगढ़, मिजोरम। टिन जमीन का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर, असम, छत्तीसगढ़, मिजोरम। टिन जमीन का संबंध है मिजोरम राज्य से। बांस के कोपल को किस राज्य के लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं? उड़ीसा, पंजाब, मिजोरम, नागालैंड। बांस के कोपल को किस राज्य के लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं? उड़ीसा, पंजाब, मिजोरम, नागालैंड। तो बांस के कोपल और मोमोज को पसंद करते हैं नागालैंड के लोग। भोजन पकाने का तरीका नहीं है, भुनकर, उबालकर, सेंककर, गूंथकर। भोजन पकाने का तरीका नहीं है, भुनकर, उबालकर, सेंककर, गूंथकर।
भोजन बनाने का तरीका नहीं है, भुनकर, उबालकर, सेंककर तीनों ही होते हैं, लेकिन गूंथकर तरीका नहीं होता है। डी इसका सही आंसर है। सुनसान पेड़ों की ऊंची डाली पर अपने घोंसले का निर्माण कौन करता है? सुनसान पेड़ों की ऊंची डाली पर अपने घोंसले का निर्माण कौन करता है? गिद्ध, गौरैया, कबूतर या इनमें से कोई नहीं। सुनसान पेड़ों की ऊंची डाली पर अपने घोंसले का निर्माण गिद्ध करता है। ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है? दोनों की दृष्टि मनुष्य की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा होती है, अंधेरे में अपनी मूछ द्वारा शिकार का पता लगाते, इनकी दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। उपयुक्त छवि बताएं इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और वाघ में पाई जाती है? दोनों की दृष्टि मनुष्य की अपेक्षा 6 गुना ज़्यादा होती है, अंधेरे में अपनी मूछ द्वारा शिकार का पता लगाते, इनकी दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। इसका आंसर बनेगा उपयुक्त छवि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जिसके दांत 2 होते हैं परंतु भोजन निकलता है? स्लॉथ, पेंगुइन, सांप, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जिसके दांत 2 होते हैं परंतु भोजन निकलता है? स्लॉथ एक आलसी जानवर के अंतर्गत आता है। स्लॉथ कैसा जानवर है? स्लॉथ एक आलसी जानवर है। पेंगुइन पक्षी है जो बर्फ पर अंडे देने वाला है। क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो बर्फ पर अंडे देता है? तो पेंगुइन। और क्वेश्चन प्रश्न में है कि कौन सा जीव है जिसके दांत तो होते हैं परंतु भोजन निकलता है? तो आंसर सी यानी सांप होता है। पर्यावरण की विषय वस्तु होनी चाहिए रटकर सीखने को हतोत्साहित करने वाली शब्दावली परिभाषा व अमूर्त अवधारणा का प्रयोग, प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करने वाली या उपयुक्त छवि। पर्यावरण की विषय वस्तु होनी चाहिए रटकर सीखने को हतोत्साहित करने वाली। अगला क्वेश्चन, किंडरगार्टन विधि द्वारा शिक्षण किस उम्र के बालकों का किया जाता है? 3 से 7 वर्ष, 3 से 9 वर्ष, 3 से 12 वर्ष, 3 से 5 वर्ष। बताएं इसका आंसर। किंडरगार्टन विधि द्वारा शिक्षण किस उम्र के बालकों का किया जाता है? 3 से 7 वर्ष के बालकों का शिक्षण किया जाता है किंडरगार्टन विधि के द्वारा। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित अवधारणाओं को पढ़ाया जाता है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण या उपरोक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित अवधारणाओं को पढ़ाया जाता है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, उपरोक्त सभी के द्वारा पढ़ाया जाता है।
पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। बच्चे कम गलतियां करें, बच्चे को करके सीखने का अवसर मिले, इसका करती है। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, इसका भी करती है। बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, ये भी है, लेकिन इसका बच्चे कम गलतियां करें ये नहीं करती। आंसर इसका ए बनेगा, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। खत्म बंद का प्रयोग किया जाता है, खत्म बंद का प्रयोग किया जाता है डोंगे, हाउस बोट, टेंट, इग्लू। इग्लू एक बर्फ के घर होते हैं, बर्फ के घर होते हैं। हाउस बोट जम्मू और कश्मीर और केरल, दो जगह हाउस बोट बनाए जाते हैं।